हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ शांति गैस पेपर क्लास 10th विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा मीडियम हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले इसमें दिया है प्रश्न पत्र की रूपरेखा, कौन से कितने नंबर्स के प्रश्न आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर। तो जाकर इसे डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न। मांसपेशियां क्या है, मांसपेशियां कितने प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां क्या है, व्यक्ति के शरीर में फेफड़ों की गिनती बताना है, दो रक्त का कार्य क्या है, मानसिक थकावट क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। शारीरिक थकावट से आप क्या समझते हैं, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, किस यंत्र से फेफड़ों की शक्ति मापी जाती है, स्पायरोमीटर, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, शारीरिक थकावट कैसे दूर की जाती है, प्लाज्मा का रंग क्या होता है, पीले रंग का होता है प्लाज्मा, शरीर को रोग से कौन बचाता है, सफ़ेद कण, संतुलित भोजन से प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन किन तत्वों का मिश्रण होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा गंधक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अंधराता और फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखे, शक्करकंदी, मक्की, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज़ होता है आपका, शरीर में खनिज लवण की कितनी मात्रा होती है, 4%, ताजे फले फलों व सब्जियों में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए, किस विटामिन की कमी से अनिमिया रोग हो जाता है आपका, विटामिन सी योग, भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधि कौन सी है, वज्रासन के 2 लाभ बताना है, पद्मासन के 2 लाभ बताइए, कब्ज दूर हो जाती, भुंगासन से आपका, इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। मानसिक एकाग्रता के लिए कौन सा योगासन सर्वोत्तम है, थकावट कितने प्रकार की है, शीर्षासन करने से आसन से क्या अभिप्राय है, योग के उद्देश्य क्या है, फेफड़े के रोग कौन से आसन से ठीक होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आप देख सकते हो। ओलंपिक खेले, ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, इस टाइप के प्रश्न आप देख सकते हैं। नवीन ओलंपिक खेले किसने शुरू करवाई, बैरन दी कुर्बिटिन ने करवाया था। उसके बाद एशियाई खेले कब और कहां शुरू हुई, 5वीं एशियाई खेले कहां हुई इसके बारे में बताना है। 2008 में ओलंपिक खेले कहां हुई, बीजिंग चाइना पर। इंडियन ओलंपिक खेले कब और कहां हुई, 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। भारतीय हॉकी कौन सी ओलंपिक खेलों में दूसरे स्थान पर आई, 1960 रोम में। 2 और 3 अंकों वाले प्रश्न। संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं, योग के 4 लाभ लिखिए। नवीन ओलंपिक खेलों के क्या नियम है, मांसपेशियों के क्या कार्य है, गुर्दों के काम लिखे, योग क्या है, मनुष्य के लिए पानी का प्रयोग क्यों जरूरी है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लाभ क्या है, ओलंपिक मोटो क्या है, प्लाज्मा क्या है, विटामिन के लाभ लिखिए। फिर आपका ये उत्तर भी दिया गया, श्वास क्रिया क्या है, श्वास गतियाँ क्या है, रक्त दबाव किसे कहते हैं, मांसपेशिया का मुख्य कार्य क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दा का काम बताना है। उसके बाद आपका है नब्ज गति किसको कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका अगला भोजन के मुख्य काम बताओ। उसके बाद प्रोटीन के लाभ बताना है, मनुष्य के को पानी शरीर का क्या लाभ होता है उसके बारे में बताना है, चर्बी के अधिकतर होने के नुकसान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हानियाँ होती है, खनिज लवण के आपको लाभ बताने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज योग के 4 लाभ लिखिए। योग के 3 नियम का वर्णन करना, 3 नियम है, प्राणायाम, ध्यान। उसके बाद योग के 4 सिद्धांत आपको लिखना, इस तरीके के आपको देख सकते हैं। योग से क्या अभिप्राय है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना, ये पूरे पॉइंट वाइज आपको उत्तर देना है।
उसके बाद आपका इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अष्टांग योग से क्या समझते हैं, पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के कौन कौन से 8 अंग बताए उनके बारे में आपको संक्षेप पर लिखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके 3 भाग होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ट्रेंस। इस तरह से किन्हीं 5 आसनों के आपको लाभ लिखना है, इसके लाभ आपको बताना है। आसन पद्मासन होता है, दूसरा आपका ताड़ासन, मयूर आसन, सभी का लाभ यहाँ पर बताया, शीर्षासन, धनुरासन। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न, संतुलित भोजन के भिन्न भिन्न तत्व कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फोकट, प्रोटीन्स, ये इस तरीके से आप सभी के बारे में आप उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के उत्तर दिए हुए हैं, तो इसको आप जाकर अच्छे से याद करें। PDF यहाँ पर टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका भोजन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उनको बताना है। भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास, गर्मी पैदा करता है, शरीर का तापमान बैलेंस रखता है, भोजन निर्जीव सेलों को सजीव करता है। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं, 4-5 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। फोकट यानी कि रफेज हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, वो कैसे आपको समझाना है। फोकट पहले पदार्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद फोकट पदार्थों को शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज उत्तर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद श्वास प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव को आपको लिखना है, फेफड़ों की शक्ति में वृद्धि, फेफड़ों की लचक में वृद्धि, उसके बाद इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि, शरीर का स्फूर्तीला और शक्तिशाली रहना, इस तरह से पूरा आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 पॉइंट इसको याद कर लेंगे। मल निकास प्रणाली के अंगों को मुख्य रखते हुए व्यायाम के प्रभाव के बारे में बताना है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट के आधार पर इसका उत्तर देना है। क्या क्या आप लिख सकते हैं वो आप अपने आधार पर लिख लेंगे। यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट बना हुआ है, लेकिन आपको 3 से 4 पॉइंट अच्छे से इसको समझाना। मांसपेशियाँ क्या होता है, मसल्स ये कितने प्रकार के होते हैं, कसरत के प्रभाव आपको बताना है, इसके बारे में इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती है, अनैच्छिक मांसपेशियाँ होते हैं, व्यायाम का प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर 10 पॉइंट दिया, तो आप 4 से 5 पॉइंट इसको याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ, कब और कहाँ प्रारंभ हुआ उसके बारे में बताना है, इसके पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी देना है, लेकिन आप इस तरह से पूरा बता सकते हैं। उसके बाद ओलंपिक खेलों के यूनान निवासियों पर प्रभाव को देख सकते हैं, इस तरह से पूरा उत्तर आप यहां से देख सकते हैं, सभी का उत्तर दिया हुआ है। प्राचीन ओलंपिक खेल की जो क्रियाएं होती वो किस तरह से हुआ था इसके बारे में पूरा बताया गया है। नवीन ओलंपिक खेल किसने शुरू करवाई इसके विषय में आप क्या जानते हैं उसको आपको लिखना है, इस तरह से पूरा उत्तर आपको दिया हुआ है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं। नवीन ओलंपिक खेलों के नियम क्या है उसके बारे में आपको बताना है, तो ये भी 5 से 6 पॉइंट आप बता सकते हैं। उसके बाद 17वां एशियाई खेल कब और क्यों शुरू हुई, इन खेलों को शुरू करने से भारत का क्या योगदान है उसके बारे में बताना है, तो भारत की देन है आपका। एशियाई खेलों का मोटो क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ना। भारत की उपलब्धियां आप देख सकते हैं, बहुत सारी उपलब्धि है, इस तरह से आपका पूरा शांति गैस पेपर कवर हो जाता है। अगर ये पूरे शांति गैस पेपर को आप पूरी तरीके से उत्तर अच्छे से समझ लेते हैं, तो पूरे आप पेपर में 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जितने अंक का पेपर रहेगा आप उतने अंक ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू सो मच।